कोर्स ऑफ द नेक्स्ट गेम, ये वाला प्रेडिक्शन पबजी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है अब, और जो लोग इसका पैटर्न समझ लेते हैं उनको गेम जीतने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट के बैटल कॉइंस मिलते हैं और उनको आप आगे चल के रिडीम कर सकते हो और यूसी परचेस कर सकते हो। उसी के साथ काफ़ी सारे स्किन भी आप परचेस कर सकते हो। सो इसमें लोग काफ़ी अच्छा विन कर रहे हैं, एंड विन कैसे कर रहे हैं क्योंकि उनको पैटर्न पता चल गया है। अगर वो पैटर्न एक बार आप भी समझ जाओगे तो आपका भी हर मैच विनिंग मैच हो सकता है, एंड काफ़ी लोग इसमें हारते भी है। सो दोस्तों, अगर आप हारते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार मैच हारोगे, इसमें आप अपनी हार को जीत में कैसे चेंज कर सकते हो ये मैं आपको पैटर्न बताने वाला हूँ, एंड इसी वीडियो में वो कंप्लीट बताऊँगा। सो हे गेमर्स, दोस्तों मेरा नाम है करण, मैं आपका स्वागत करता हूँ केआरजी गेमिंग के एक और न्यू वीडियो में। सो दोस्तों, मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ एमआई का फ़ोन, एंड उसके अंदर ये पैटर्न काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो आई बटन में जाके देख लो, तभी ये वीडियो समझ आएगी। एंड इस पैटर्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। सो आओ स्टार्ट करते हैं। पबजी के अंदर आपको ये तीन चीज़ें देखने को मिल जाएगी जो डायरेक्शन आपको शो करती है, एंड ये आपको द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट गेम वाला चैलेंज जीतने में हेल्प करती है, क्योंकि इसको देखकर आप पबजी में प्लेन की क्या डायरेक्शन हो सकती है आपके नेक्स्ट गेम में, ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। पर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एंड मैं इसी को सिंपली करके आपको समझाने वाला हूँ अच्छी तरह से। सो दोस्तों, ये आपके चार डायरेक्शन होते हैं जो मेन डायरेक्शन होते हैं, एंड इन पे सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सो ये दोनों चार डायरेक्शन जो होती है ये सबसे कम प्लेन इन डायरेक्शंस पे जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ पहले इन डायरेक्शंस को हम कवर करते हैं, इन चारों डायरेक्शंस को, कि इन पे प्लेन जाता है तो आप किस तरह से पहचान सकते हो कि प्लेन इन पे आया है और आप अपने नेक्स्ट गेम में अच्छा तरह से प्रिडिक्ट कर सको। सो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये आपको जो बता रखा है कि यार जो नॉर्थ है और जो वेस्ट है उसके बीच में जो ये कुछ डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है ना, जैसे आप देख सकते हो नॉर्थ के अंदर बीच में छोटा सा डिस्टेंस है। सो यहाँ पर नॉर्थ अगर प्लेन जाएगा, सो प्लेन अगर थोड़ा सा यूं भी टिल्ट भी हो जाता है और इस लाइन के अंदर ही है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ एरिया बना हुआ है, यहाँ पर एरिया बना हुआ है दोस्तों 355 डिग्री से लेके 5 डिग्री। सो ये वाला नॉर्थ की लाइन होगी, अगर इस लाइन पर प्लेन जा रहा है तो वो नॉर्थ की लाइन होगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप गेम के अंदर से देखकर कैसे पहचान सकते हो कि आप प्लेन कौन से डायरेक्शन पे है, और अगर आप सही भी होते हो तो गलती से आप अगर यार क्विट कर जाते हो, गेम को वापस निकल जाते हो, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हो कि आप सही भी हो या नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्थ का बता रखा है, इसमें नॉर्थ है 355 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के बीच का जो एंगल रहेगा वो पूरा नॉर्थ का रहेगा। और यहाँ पे ईस्ट का बताता हूँ, ईस्ट का है 85 डिग्री से 95 डिग्री का, एंड साउथ का देख सकते हो 175 डिग्री से 185 डिग्री, एंड यहाँ पर वेस्ट का देख सकते हो 265 डिग्री से लेकर 275 डिग्री। सो दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो जाती है कि इनके ऊपर प्लेन जाएगा, चलो तब आप समझ सकते हो। एंड यहाँ पर लास्ट वाला जो मैप है इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये नॉर्थ है, एंड ऐसे ही चल करते हुए आपको नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ का भी पता चल जाएगा। ये तो आपका मेन डायरेक्शंस हो गए जिन पे सबसे ज़्यादा कॉइंस होते हैं, पर सबसे कम डायरेक्शंस भी यही होती है जो पबजी के जिस पे से गेम में लाइन जाती है। तो आप किस पे प्रेडिक्ट करोगे? सो दोस्तों, ये है वो चार लाइनें जिन पे से सबसे ज़्यादा प्लेन जाता है, और इन्हीं चार लाइनों पे आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, तभी आप जीत सकते हो और आप अपनी हार को जीत में कन्वर्ट कर सकते हो। वो किस तरह से कि सबसे ज़्यादा देखो, ये दोस्तों ये पैटर्न मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में जहाँ पर ये पैटर्न काम कर रहा था अच्छा खासा, पर क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद में ये पैटर्न मेरा वहाँ पर चलना बंद हो गया और मैं अब गेम हारने लगा। तो मैंने सोचा कि यार जो पैटर्न मैं अभी मेरे साथ ठीक नहीं चल रहा है वो आप सभी के साथ भी शायद ठीक ना चल रहा हो, तो आपको एक न्यू पैटर्न बताया जाए। अब दोस्तों, इसमें आपको मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जाता है प्लेन साउथ वेस्ट की तरफ। अब सब साउथ वेस्ट की तरफ आपको सबसे पहले प्रेडिक्ट करना चाहिए, देन उसके बाद में आपको प्रेडिक्ट करना चाहिए अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट प्लेन जाता है, और फिर उसके बाद जाता था साउथ ईस्ट। तो ये चार जगह मैंने बताई थी, और सबसे कम जाता है नॉर्थ वेस्ट में। तो आपको यहाँ पर अब दोस्तों थोड़ा चेंज आ चुका है, अब आपको प्रेडिक्ट करना होगा कुछ इस तरह से जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा अब प्लेन जा रहा है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अगर आप शुरू के दो गेम लगाते हो दोस्तों, तो उसके अंदर सबसे पहले प्लेन दो बार तो नॉर्थ ईस्ट जाएगा ही जाएगा, ये 90% चांस है नॉर्थ ईस्ट की तरफ प्लेन जाएगा, ऐसे करके जाएगा, नहीं तो कुछ इस तरह से जाएगा प्लेन, पर नॉर्थ ईस्ट ही जाता है मेनली। मैंने काफ़ी गेम को देखा है, उसको समझा है, और ये आपको बता रहा हूँ स्क्वाड मैच
इरेंगल मैप के अंदर ये चीज़ ही काम करेगी और उसी में ही ये चैलेंज वर्क करेगा, तो आपको वहीं पर ही खेलना पड़ेगा। एंड उसके बाद प्लेन का पैटर्न होता है कि दो बार यहाँ चला गया नॉर्थ ईस्ट की तरफ, फिर प्लेन एक बार मुड़ता है साउथ ईस्ट की तरफ, एक बार प्लेन जाता है साउथ ईस्ट की तरफ। देन उसके बाद में यहाँ पर दो डायरेक्शन हो चुकी है तो प्लेन यहाँ से सीधे जाता है फिर साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट प्लेन जाता है एक बार। देन उसके बाद में आपका प्लेन जाता है नॉर्थ वेस्ट। तो ये प्लेन का अभी पैटर्न चल रहा है, दो बार तो प्लेन जाता है नॉर्थ ईस्ट इस तरफ जाता है, एंड उसके बाद में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दो बार प्लेन जाता है नॉर्थ ईस्ट, फिर उसके बाद में एक बार जाता है साउथ ईस्ट, फिर उसके बाद एक बार जाता है साउथ वेस्ट, एंड उसके बाद में एक बार वो जाता है नॉर्थ वेस्ट। एंड इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि प्लेन अब नेक्स्ट कहाँ जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि आप उसके बाद में फिर साउथ वेस्ट ही चूज़ करो इसके बाद भी, क्योंकि साउथ वेस्ट में प्लेन दोबारा एक बार जाता है और यहाँ से आपका प्रिडिक्शन ठीक जा सकता है। अब मैं आपको इसी के बाद में गेम को खेलकर भी दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ में, कि आप समझ सकते हो कि बैक टू बैक गेम खेलूंगा मैं, एंड उसके अंदर दिखाऊंगा कि यार प्लेन की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, मेरा पैटर्न सही वर्क कर रहा है भी है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप, अब मैं मोटा मोटा बताऊँ तो दोस्तों सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा दो बार, अगर एक बार आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ प्लेन जा रहा है, आप है ना पहले पबजी के अंदर एंटर कर लो, दो बार आप मैच है ना मैं बिना चैलेंज लगाए चले जाओ, दो बार में आपको पता चल जाएगा कि प्लेन किस तरफ जा रहा है। अगर सेम डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में प्लेन जा रहा है दो बार, सो नेक्स्ट डायरेक्शन आप लगा सकते हो बिना कुछ सोचे समझे, साउथ ईस्ट आप लगा सकते हो। एंड साउथ ईस्ट एक बार आपने लगा लिया तो उसके बाद में प्लेन दोस्तों जाएगा सीधे के सीधे साउथ वेस्ट में, आपको फिर साउथ वेस्ट को चूज़ करना पड़ेगा, एंड साउथ वेस्ट से आपका प्लेन सीधे फिर जाएगा नॉर्थ वेस्ट में एक बार। अब वो प्लेन नॉर्थ वेस्ट में ही जाएगा, देन उसके बाद में फिर ये साइकिल साउथ वेस्ट की तरफ जाएगी एंड थोड़ा उस तरह चलेगी। अब मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि ये किस तरह से वर्क करेगा। सो दोस्तों यहाँ पर मैं बैक टू बैक रैंडम कुछ डायरेक्शंस चूज़ करने वाला हूँ, जिसके अंदर मुझे नहीं पता कि प्लेन अभी कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, मैं अपनी तरफ से कुछ डायरेक्शन लगाने वाला हूँ, पर मैं थोड़ा छोटे अमाउंट से खेलूँगा क्योंकि मुझे अगर लॉस भी हो तो वो ज़्यादा अमाउंट का लॉस ना हो, मेरे ज़्यादा बैटल कॉइन ना जाए, एंड मैं 10 वाला लगाकर एक डायरेक्शन चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर साउथ ईस्ट मुझे ठीक लग रही है, ऐसे मैंने रैंडमली चूज़ कर लिया है, मुझे कुछ डायरेक्शन का अंदाज़ नहीं है अभी, तो देख सकते हो चैलेंज मेरा लग चुका है इस गेम में। और दोस्तों आप मतलब सोलो बस ही स्कोर कर लो, क्योंकि एक बार आप मरोगे तो डायरेक्ट आपको उसके बाद में जो भी बोनस होगा वो मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको चैलेंज में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों प्लेन जा रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यहाँ पर मैं हार चुका हूँ ये वाला चैलेंज, और मतलब मेरा तो बंटा धार हो चुका है, नॉर्थ ईस्ट प्लेन जाएगा तो मैं यहाँ पर रॉन्ग प्रूफ हो चुका हूँ। देन मैं उसके बाद गेम को एग्जिट मारता हूँ और मैं वापस से बाहर आ जाता हूँ, एंड यहाँ पर मुझे हार का सामना करना पड़ा क्योंकि मैं बिना सोचे समझे घुस गया था, जैसे मैंने आपको बताया साउथ नॉर्थ ईस्ट की तरफ प्लेन जाता है। तो यहाँ पर मैं एक बार और लगा लेता हूँ, अभी भी मैं इस गेम में कुछ नहीं सोच रहा हूँ, यहाँ मैंने दबाकर 3-4 मैच खेले बिना सोचे समझे ताकि मैं चेक कर सकूँ। अब मैंने साउथ वेस्ट लगा दिया है, देखते हैं प्लान कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, मुझे इस चीज़ का भी कोई अंदाज़ा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं यार, मतलब देखते हैं गेम में घुस के कुछ अच्छा निकल जाए शायद। ओ नो, देख लो नॉर्थ ईस्ट फिर से लाइन गई है, यहाँ पर भी मैं हार चुका हूँ, नॉर्थ ईस्ट ही हमारी लाइन जा रही है, तो कोई मतलब नहीं अब यहाँ रुकने का ज़्यादा देर, अब मैं गेम से क्विट मारता हूँ और फिर से लॉबी के अंदर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर भी मुझे हार का सामना करना पड़ा और बैटल कोइन ज़्यादा हारे नहीं है, तो मतलब 10-10 हार रहे कोई बात नहीं, चलो एक बार मैं जीत कर देखेंगे। तो फिर से मैं एक बार रैंडम डायरेक्शन लगा लेता हूँ कुछ भी, अभी भी मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ रूल को, अभी भी मैं साउथ वेस्ट को चूज़ कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि साउथ वेस्ट में मुझे लगता है कि वापस हो सकता है साउथ वेस्ट में, अब की बार मेरा तुक्का सही हो जाए। और गेम में चलते हैं अपन और देखते हैं यार, मतलब तुक्कों के ऊपर बेस अभी मैं खेल रहा हूँ, कोई भी मैंने अभी यहाँ पर प्रिडिक्शन को सही से नहीं समझा है। एंड प्लेन जा रहा है हमारा साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में सॉरी, तो साउथ ईस्ट में जा रहा है, एंड उसके बाद भी मैं यहाँ पर भी हार चुका हूँ। तो यहाँ पर मेरे मतलब मुझे पता चल गया कि मैंने जो भी तुक्के लगाए थे वो सारे रॉन्ग थे, एंड मैंने अपने तुक्केबाजी के अंदर इतने 30 बैटल कॉइन हार लिए अभी अभी मैं 5-10 मिनट के गेम में।
तो यहाँ पर तो ऐसा अगर मैं करता चला गया तो मैं बहुत जल्दी सारे बैटल को हार जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ ही बचे, मैंने सारे रिडीम कर लिए और वापस से मुझे यूज लगा के उनको खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सोच समझ के जाता हूँ, क्योंकि दो बार नॉर्थ ईस्ट जा चुका प्लेन, एक बार साउथ ईस्ट चला गया, तो अब प्लेन की डायरेक्शन साउथ वेस्ट होगी। तो इस बार मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से साउथ वेस्ट को, कहाँ गया साउथ वेस्ट नीचे, तो मैं साउथ वेस्ट ही चूज़ करूँगा दोस्तों, क्योंकि मैंने जो पैटर्न बताया था उसके हिसाब से अभी मुझे साउथ वेस्ट ही लगाना चाहिए था। दो बार हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद एक बार हो गया साउथ ईस्ट, एंड उसके बाद एक बार अब प्लेन चौथी बार में जाएगा साउथ वेस्ट में। ये मेरा प्रिडिक्शन है और इसी के थ्रू मैं चल रहा हूँ आगे अपने गेम में देखता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर गेम जीत चुका हूँ, साउथ वेस्ट के अंदर प्लेन जा रहा है और मैंने जो 30 कॉइन गवाए थे वो मैंने यहाँ से रिकवर कर लिए। इसका मतलब है कि जो मैंने हारा था वो तो मैंने यहाँ से जीत ही लिया, चलो मैंने हार का बदला तो ले ही लिया अपनी, और मेरी विनिंग हो चुकी है। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से पसंद समझ आ गई होगी, एंड यार पसंद आई हो अभी तक वीडियो पर चिपके हो तो प्लीज़ यार एक लाइक करके सब्सक्राइब बटन दबा देना दोस्तों, काफ़ी कम सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, एंड व्यूज़ यार हमें सिर्फ नॉन सब्सक्राइब लोगों से मिलते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कोई भी आता यार मतलब वीडियो देखता है सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करता है। अगर आप मुझे वापस से देखना चाहते हो, मेरी और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं, एंड मैं आपसे किसी एक और वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड जय हिंद।